उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार इस भगदड़ में कल 134 लोगों की मौत हुई, जिसमें यह प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों का नाम ही सार्वजनिक किया है। बताया गया था कि इस सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। साथ ही सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात किया। वहीं इस हादसे को लेकर मोदी और अमित शाह समेत देश भर के कई नेताओं ने दुख जताया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान भी किया। साथ ही घायलों को 50,000 की मदद राशि देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं और वहां विभिन्न अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर रहे। साथ ही इस हादसे के बाद सीएम योगी दुख भी जता चुके हैं। बता दें कि यूपी के आला अफसर मंगलवार रात ही मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं हाथरस जिले के सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई में हुई सत्संग के दौरान भगदड़ के बाद लोगों ने आयोजन देव प्रकाश मधुकर के घर के बाहर जमकर हंगामा भी किया था। स्थानीय लोगों ने भी भीम के नारे भी लगाए थे। वहीं स्थानीय लोगों ने आयोजन देव प्रकाश मधुकर और सत्संग के आयोजन में प्रवचनकर्ता सरजू पाल उर्फ भोले बाबा सहित 78 आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी किया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि हाथरस कांड के आरोपी बाबा सूरज पाल उर्फ भोले बाबा को पुलिस ने मैनपुरी में हाउस अरेस्ट कर लिया है और आश्रम की गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।